आपसे बिग स्टॉक तक बात करेंगे यहाँ पर एक शानदार स्टॉक के बारे में दोस्तों, जो मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई में और साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग में पूरे इंडिया में नंबर वन और ज़बरदस्त परफॉर्म भी करके दिखाता है। और दोस्तों यहाँ पर इसमें हमें रिटर्न भी बढ़िया मिल रहा है, तो इसमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या यहाँ पर इसे होल्ड कर कर लॉन्ग टर्म में भी कंटिन्यू करना चाहिए, या दोस्तों इसके रिजल्ट के बाद में डिसीजन लेना चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं, उसकी डेट और साथ साथ इसके रिजल्ट कैसे रह सकते उसके बारे में आपको सभी डिटेल बताऊंगा। जो कंपनी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, लाइंड इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी इंडिया में प्रोवाइड कर रही है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसे रहा है। और दोस्तों यहाँ पर हम इसके रिटर्न की बात करें ना, तो इस स्टॉक ने हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से रिटर्न कमा दिए। 6 महीने में देखेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक ने इतनी बढ़िया बोले तो भी आपको कहूँगा 100% का रिटर्न यहाँ पर आपको खाली 6 महीने में कमा दिया है लाइंड इंडिया ने। ये बात अच्छी होती है और फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर में यही तो देखने को मिलता है दोस्तों, कि वो यहाँ पर ऑल टाइम परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। अब देखिए आज इसमें क्या गजब की तेजी देखने को मिली दोस्तों, पूरी तरीके से 3% से स्टॉक अप रहा। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा इसमें इतनी गजब की तेजी आने की वजह क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमें आपको अंडरस्टैंडिंग भी कराना चाहूँगा। जो RBI की दोस्तों, RBI की जो यहाँ पर पॉलिसी आई है 50,000 करोड़ की, उसमें ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए अच्छी खासी लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया है, तो इस कंपनी को बेनिफिशियल रहेगा ही और कंपनी फायदे में भी रहने वाली है। तो यहाँ पर हम जैसे इसके रिटर्न की बात करें 1 साल के भी, तो 1 साल में देखिए दोस्तों कितना गजब का 250% का रिटर्न 1280 रुपये पर शेयर पर। और दोस्तों जैसे जैसे COVID-19 का जो इम्पैक्ट बढ़ते हुए मार्केट में देखने को मिलेगा, बेनिफिशियल ये स्टॉक रहने वाला है। आप सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समझ भी सकते हैं कि ऑक्सीजन से रिलेटेड जो इंडिया में किल्लत चालू थी, साथ साथ आपको बताना चाहूँगा और जो सप्लाई करने में भी एक कंपनी ऑल टाइम से परफॉर्मेंस करती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम देखें, इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न भी देखिए दोस्तों, आपको पता भी चल जाएगा। देखिए 1990 से वर्क करती है, 38 रुपीज़ का शेयर था तब से काम करती है, कोई यहाँ पर नई कंपनी नहीं है। और देखिए तब से परफॉर्मेंस का कैसा है, अप ट्रेंड वाला ही है। और दोस्तों यही बात नहीं, मैं आपको 5 साल का परफॉर्मेंस दिखा दूँ, 5 साल से भी देखिए कंपनी परफॉर्मेंस दिखा भी रही है। ऐसा कोई बात नहीं कंपनी यहाँ पर टेम्पररी बेसिस पर चल रही बोलकर। अभी जैसे इसके जो रिजल्ट की डेट है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर इसके 11 मई को यहाँ पर इसके Q4 के रिजल्ट प्रेजेंट करने वाली है, तो इस पर आपका पूरा फोकस रहना चाहिए। लाइन इंडिया के बारे में इस कंपनी के रिजल्ट मुझे लगता है दोस्तों आउटस्टैंडिंग ही आएंगे, क्योंकि इस कंपनी का गजब का बिजनेस और गजब की कमाई होते हुए देखने को मिली हमें कंटिन्यू दोस्तों। जितनी ये कंपनी पूरे साल में कमाई करती थी एक एक, और आपको बताना चाहूँगा आधे महीने में इतनी कमाई हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड ही उतनी बढ़ चुकी थी। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी फंडामेंटली भी अच्छी है, इस वजह से स्टॉक पर हमारी नज़र रहनी चाहिए। 15,490 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप दोस्तों, इसका कर्जा देखिए कितना 108 करोड़ का, और ज़्यादा कोई यहाँ पर कंपनी में प्रॉब्लम भी नहीं है, अर्निंग पर शेयर बेस्ट है। साथ साथ यहाँ पर हम इसके प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें 75% कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कंपनी को जो चलाते पर्सन उनको भरोसा है दोस्तों, इस वजह से उनमें यहाँ पर देखिए 75% का स्टेक खरीद कर बैठे, नहीं तो कोई कंपनी में आपको इतना बड़ा स्टेक ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। प्रमोटर को भरोसा होता है तभी यहाँ पर स्टेक खरीदते हैं। अब देखिए हम जैसे कि गैस इंडस्ट्री के लिस्ट में देखें, इस कंपनी का वेटेज 4th नंबर पर है पूरे इंडिया में। और जो मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें हमें बहुत ही अच्छी बात देखने को मिलेगी, पब्लिक का भी स्टेक 11%, DIS 11%, और दोस्तों यहाँ पर FIIs भी यहाँ पर 1.5% के ऊपर स्टेक रखते हैं। अब इसके परफॉर्मेंस की बात करें, स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों, ये पता भी होना चाहिए ना हमें कंपनी में क्या क्या अच्छी बात है भाई, और कंपनी क्यों अच्छी है, तो देख लीजिए कंपनी हैज़ शो द पुअर, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा गुड प्रॉफिट ग्रोथ। और यहाँ पर हम जैसे कि इसके लास्ट 3 ईयर की बात करें, और दोस्तों कंपनी है सिग्निफिकेंटली डिक्रीज डेप, जो इस पर कर्जा था देख लेना कितना था, 1,090 करोड़ का कर्जा था, ये पूरा कंपनी ने कम किया दोस्तों। ये सबसे पॉजिटिव और प्लस पॉइंट नज़र आता है हमें कि कंपनी कमाई के लायक नज़र आती है, और कंपनी देखिए वर्चुअली डे फ्री बोल तो अभी फिलहाल के सिचुएशन से कंपनी डे फ्री नज़र आती है। कंपनी हेल्दी इंटरेस्ट कन्वर्जन जो रेशियो रहता है वो भी अच्छा बढ़िया नजर आता है। बट एक ही बात है दोस्तों, इसमें अभी जो नेगेटिव पॉइंट देखेंगे खाली 2 पॉइंट नेगेटिव देखने मिलते हैं, सभी चीज़ें पॉजिटिव देखने के बाद। द कंपनी है शो पुअर रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू जो होता है वो थोड़ा यहाँ पर हमें 1.5% से ज़्यादा कोई बात नहीं, 1.5% से यहाँ पर नेगेटिव देखने मिलता है। और कंपनी ऑल अराउंड देखे तो पूरी तरीके से अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखा रही है। और इसके यहाँ पर हम जैसे परफॉर्मेंस के जो बिजनेस की बात करें, तो कंपनी देखिए अलग अलग जो गैसेस होते हैं उसके सॉल्यूशंस और साथ साथ वो गैसेस प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में कंपनी काम करती है, नाइट्रोजन से रिलेटेड भी काम करती है, वेरियस टाइप के जो गैसेस रहते हैं उसका भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। तो लाइन इंडिया पर आपकी नज़र रहनी चाहिए।
और दोस्तों यहाँ पर जैसे आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर 34% की क्वांटिटी हमें मार्केट से उठाते हुए देखने को मिलेंगे इस कंपनी में। बढ़िया बात है कि इसमें खरीदारी भी अच्छी होती हुई देखने को मिल रही है। और कंपनी के जैसे परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट देखिए आपको अच्छे आते हुए देखने को मिले होंगे। और कंपनी ने जो डिविडेंड दिया था, 1 से 2 बार दोस्तों डिविडेंड दिया है, स्पेशल डिविडेंड आल्सो दिया है। तो पूरे 1 साल में देखें तो कंपनी ने अभी तक हमें पूरे तरीके से 11 से 12 रुपये का डिविडेंड भी प्रोवाइड किया। तो ऑल अराउंड सभी चीज़ें बढ़िया है और मुझे लगता है कि आप इसके Q4 के रिजल्ट आने के बाद ही डिसीजन ले सकते हैं कैसे परफॉर्मेंस रखना है। तो आई होप आप समझ चुके हो कि लाइट इंडिया के बारे में। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका कीमती देगा सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।